गौरी, आप सभी लोगों का स्पेक्ट्रम अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोगों ने जो IBPS PO मेंस के लिए जो पजल की सीरीज शुरू की है, तो दोस्तों आज उसी सीरीज का हमारा ये थर्ड एपिसोड है। तो दोस्तों आज हम लोग बहुत जबरदस्त एक मेंस लेवल का पजल सॉल्व करने वाले हैं। ये 2 मार्क्स के लिए ये पजल आएगा। दोस्तों अगर पहले 2 वीडियोज अगर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो ऊपर जो आई बटन है वहां पर क्लिक कीजिए एंड आप पहले उन 2 वीडियोस को देख लीजिए एंड वो वीडियोस आपको कैसे लगे वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर बिल्कुल डाल दिए। ठीक है, अभी अपन स्टार्ट करते हैं ये इस पजल को। ठीक है, लेट्स सी दिस। देयर आर 12 प्रोफेसर्स नेमली ए बी। अभी ये देखो, एग्जाम के अंदर इतना पूरे नेम पढ़ने की कोई जरूरत नहीं होती, सिर्फ इनिशियल्स पढ़ो। ए बी सी डी एल के जे आई एच जी ई एफ, राइट। Then all of them had given lectures in different months, that is Jan, March, April, July, August, November, but not necessarily in the same order. The lectures are scheduled on 2 different dates, that is 12th and 16th of given months. No 2 professors had given the lectures on the same date. Different numbers of students attended each of the lectures. ये देखो, ये सबसे important condition है जो यहाँ पे वो बोल रहे हैं। See the condition. If a month has an odd number of days, then the number of students attending the lecture is even. And similarly, if a month has an even number of days, then the number of students attending the lecture is odd. ठीक है, अभी सबसे पहले अपन क्या करेंगे? Let's do this. ये देखो, अभी अपन क्या करने वाले हैं, उन्होंने मंथ क्या क्या बोले थे? जैन, मंथ देखो, जैन, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर एंड डेट्स आर 12 एंड 16। जैन 12 16, देन उसके बाद मार्च 12 16, देन अप्रैल 12 16, जान, मार्च, अप्रैल, जुलाई, अगस्त, नवंबर। जुलाई 12 16, अगस्त 12 16 and then November 12 and then 16, right? अभी ये हमने लिख लिया। कभी भी एक चीज याद रखो, जब भी कभी भी आपको मंथ बेस्ड पजल आता है तो उन मंथ को आप सिक्वेंशियली एक के नीचे एक ही लिखना उसके डेट्स में। मतलब ऐसा मत लिखना कि यहाँ पे 12 लिखा, फिर 16, फिर 12 16। ऐसा करोगे तो बहुत कंफ्यूजन बढ़ेगा, वो एक दूसरे के नीचे ही लिखना। ठीक है, देन उसके बाद उन्होंने क्या बोला है? जैन के नंबर ऑफ डेज आर 31, मार्च इज ऑल्सो 31, अप्रैल 30, जुलाई 31, अगस्त 31, नवंबर 30। उन्होंने क्या बोला है? जहां पे भी 31 मतलब ऑड नंबर ऑफ डेज हो गए, वहां पे इवन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रहेंगे। यहां पे स्टूडेंट्स इवन, यहां पे भी इवन, यहां पे ऑड, यहां पे इवन, यहां पे भी इवन, यहां पे ऑड, राइट।
ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं, यहां पे ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, एंड यहां पे नेम, ये सबसे बेसिक काम है, ठीक है, वो कर लेते हैं। अभी नेक्स्ट, ई एंड एफ हैड गिवन लेक्चर्स इन द सेम मंथ, ओके, ठीक है, नोट इट डाउन, ई एंड एफ सेम मंथ, राइट, देन आयुष हैड गिवन अ लेक्चर ऑन द 16th ऑफ अप्रैल, वेरी गुड, पूरा का पूरा डिटेल में ही दे दिया है। यहां पे आ गया अपना आयुष, आप सिर्फ ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देन उसके बाद द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये देखो, ईश्वर हैड गिवन अ लेक्चर बिफोर आयुष लेक्चर, ओके, आयुष के पहले ईश्वर होगा, ठीक है, मतलब ये ईश्वर यहां पे कहीं पे तो आना चाहिए इन दो मंथ में, ठीक है, ईश्वर इज बिफोर आयुष। देन आयुष हैड, ये हो गया, देन डी हैड गिवन अ लेक्चर बिफोर केज लेक्चर, बिफोर के डी, ठीक है, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग केज लेक्चर इज टू मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग डीज लेक्चर, ओके, के इज इक्वल टू टू प्लस डी, दैट इज वॉट स्टूडेंट्स, ठीक है, देन उसके बाद ईच लेक्चर वॉज अटेंडेड बाय 36 स्टूडेंट्स, ओके, ई 36 है, यहां पे दोनों पे इवन ही है, ठीक है, चलेगा। देन उसके बाद ओनली वन लेक्चर वॉज गिवन बिटवीन ई एंड आयुष लेक्चर, ठीक है, ई एंड ए के बीच में सिर्फ एक ही लेक्चर है, ये हो गया ई, ये हो गया एफ, ई के कितने 36, ठीक है, ई का नाम ईश्वर है, ये है फारूक, ठीक है, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग एच लेक्चर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडिंग ईज लेक्चर, ई के 36 है तो एच कितना हो गया 72, ठीक है, देन एच एंड जी हैड गिवन लेक्चर्स इन द सेम मंथ, ओके, एच एंड जी सेम मंथ, देन लक्ष्मण लेक्चर एल्स लेक्चर वॉज अटेंडेड बाय 35 स्टूडेंट्स, ओके, एल विच इज इक्वल टू 35, देन एच हैड गिवन द लेक्चर ऑन 16th ऑफ द मंथ आफ्टर अप्रैल, एच 16th आफ्टर अप्रैल, ओके, दिस इज 16th एंड अप्रैल के बाद, ओके, ठीक है, देन आयुष एंड लक्ष्मण हैड गिवन लेक्चर्स इन द सेम मंथ, ओके, मतलब जहां पे आयुष है यहां पे ये लक्ष्मण आ गया, एंड लक्ष्मण विच इज 35, ये देखो ऑड ऑड फिगर आई, ठीक है, देन उसके बाद थ्री लेक्चर्स वर गिवन बिटवीन एफ एंड बीज लेक्चर, ओके, एफ एंड बी के बीच में थ्री लेक्चर्स, ऊपर पॉसिबल नहीं है, 1, 2, 3, दिस इज बी, बी का नाम क्या है, भव्याज लेक्चर, ठीक है, देन जीज लेक्चर वॉज अटेंडेड बाय 24 स्टूडेंट्स, जी विच इज इक्वल टू 24, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड एज लेक्चर इज 40 मोर देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु अटेंडेड सीज लेक्चर, ओके,
A's lecture is 40 more than C's lecture. Okay. A which is equal to 40 plus C. Then, Imran had given a lecture on 16th of November. 16th November, यहाँ पे आया इमरान. Then, उसके बाद, the number of students who attended Imran's lecture is 20 less than the number of students who attended Lakshman's lecture. Okay. Imran wale 20 less hai than Lakshman. 35 minus 20, that is what? 15. Then, Farooq's lecture was attended by 64 students. फिर उसके बाद डी एंड के हैड गिवन द लेक्चर्स इन द सेम मंथ. ठीक है, डी के सेम मंथ है. देन इमरान एंड चरुण हैड गिवन लेक्चर्स इन सेम मंथ. ओके, मतलब यहां पे इमरान है तो यहां पे ये चरुण हो जाएगा. ठीक है, फिर उसके बाद the number of students attending Charun's lecture is 2 more than the number of students attending Imran's lecture. Okay, Imran ke kitne? 15. 2 more than 17. Fir, Jay's lecture was attended by 74 students. J which is equal to 74. Then, the number of students attending Bhavya's lecture is 10 less than the number of students attending Farooq's lecture. Bhavya 10 less. 10 less, that is 54. क्या बोल रहे वो? Number of students attending Bhavya's lecture is 10 less than the number of students attending Farooq's lecture. Then, D's lecture was attended by 82 students. Okay. D's lecture, which is equal to 82. ओके, ठीक है, अभी देखते हैं अपन क्या कर सकते हैं. ये है अपना डी. चरुण कितना है? 17. आयुष कितना होगा? 17 plus 40, which is equal to 57, right? This is what the 57. Then, E and A, E 36, ye condition done. E F same month, ye bhi done. Then, April ke baad, 16th pe hai, H 72. ओके, दो पॉसिबिलिटीज है. देन डी के सेम मंथ, एच जी सेम मंथ. ये देखो, डी के लिए ये दो जगह बचती है, एच जी के लिए ये भी दो जगह बचती है. तो फिर एच को यहां पे ही रखना पड़ेगा. नहीं, एच एंड जी सेम मंथ बोल रहे हैं तो ऑब्वियसली एच यहां पे ही आएगा. ये एच हरीश, ये यहां पे ही आया, that is 72. G उसी मंथ में है, ये G हो गया. ठीक है, then उसके बाद D K is also in the same month, वो ऊपर जाएगा. ठीक है, अभी D K का देखते हैं. D K J J is 74, तो J के लिए यही जगह है, that is 74. Okay, ये भी हो गया. फिर G 24 है, ये भी हो गया, डन. L 35 डन. K विच इज इक्वल टू 2 प्लस D, मीन्स K आएगा 84, ये D आएगा 82. ठीक है, एंड D एंड K आर इन द सेम मंथ. अभी D के लिए हियर वी हैव अ पॉसिबिलिटी. Either D, this is what D, this is what K. D is 82 and K is 84.
हियर वी आर डन विद द पजल। यहाँ पे ये पूरा का पूरा पजल सॉल्व हुआ। दोस्तों आपको पूरा का पूरा डेटा, ये बहुत आसान पजल था एक्चुअल में बोल रही हूँ, कुछ दिमाग नहीं लगाना था, जो कंटेंट दिया है सिर्फ उसी को अरेंज करना था। सेम ऐसे ही लेवल के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, बट 99% लोग क्या करते हैं पता है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन दिख रहा है बहुत बड़ा होगा एंड सबसे पहले इतना बड़ा देख के तो वो डर जाते हैं। बट दोस्तों जितने मार्क्स आप 10 मार्क्स कमाने के लिए, जितने एक एक मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए जितना टाइम लगता है ना, उससे कई गुना कम टाइम इसमें लगेगा, बिकॉज डिफिकल्टी लेवल कुछ भी नहीं है एंड एक कॉन्फिडेंस आएगा। नहीं, दो दो क्वेश्चन, दो दो मार्क्स वाले, हम लोगों ने 5 क्वेश्चन कर लिए, 10 मार्क्स क्लियर हो गए एंड उसी कॉन्फिडेंस से आप आगे बढ़ोगे। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो अभी अपन उसके क्वेश्चंस भी देखते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ स्टूडेंट्स अटेंडेड आयुष एंड हरीश लेक्चर? चलो देखो, आयुष 57, हरीश 72, कितना हुआ? 729, 7512, 129 विल बी द आंसर। 129 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 129। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर हैड लेक्चर्स इन जनवरी? डीके, वो लास्ट में ही अपन ने अरेंज किया, डीके विल बी द आंसर। हु हैड गिवन अ लेक्चर ऑन 16th of July? लेट्स चेक, 16th July, दैट इज जे। देखो जसजीत। देन नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ए, 2 lectures had given between A and J lecture. I don't know. A and J के बीच में 2 lectures है क्या? Let's check. A and J. नहीं, only 1 lecture. This one. Then, general maximum and minimum number of students attended K and C's lecture respectively. Oh, इसमें से figure ही गायब है. ठीक है, चलो देखते हैं. Total number of students who attended lectures in July is more than the number of students who attended lectures in Jan. I have to calculate. Jan में देखो कितना है, 4, 2, 6, 8, 8, 164 will, 166 in Jan, and what is the July? 128. So Jan के तो ज़्यादा है, but उन्होंने उल्टा बोला है तो ये भी नहीं आएगा। J and B had given a lecture on 12th and 16th of the same month. J B उल्टा कर दिया, J 12th को नहीं है, J 16th को है, B 12th को है, तो ये भी नहीं आएगा। So what will be the answer? Answer is none of these. Clear? Then उसके बाद, this is the last question. You are going to solve this question. Solve this question and comment the answer in the comment box. राइट, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। दोस्तों कमेंट कीजिए एंड अगर आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये कंटेंट कैसा लगा एंड आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है, ये सारी की सारी चीजें आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर बहुत अच्छी लगी तो उस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।